इधर मंत्री मास्टर भवलाल के स्वास्थ्य का अपडेट आपको दे दें। मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कल सफल ऑपरेशन से क्लॉट हटाया गया। आज फिर से जांच की जाएगी मेघवाल की। फेफड़ों में भी मामूली इन्फेक्शन बताया जा रहा है। मेघवाल की बेटी बनारसी इलाज से संतुष्ट है। बनारसी के फैसले पर ही मेघवाल को मेदांता ले जाया गया था, हालांकि अभी वेंटिलेटर पर ही है मास्टर भवलाल मेघवाल। मेदांता अस्पताल में इलाज जारी है। मंत्री मेघवाल का कल सफल ऑपरेशन से उनका क्लॉट हटाया गया है और आज फिर से जांच की जाएगी मेघवाल की। इधर फेफड़ों में भी बताया जा रहा है कि मामूली सा इन्फेक्शन है। मेघवाल की बेटी बनारसी इलाज से संतुष्ट है। बता दें आपको, बनारसी के फैसले पर ही मेघवाल को एसएमएस से शिफ्ट किया गया था मेदांता अस्पताल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार संपर्क में हैं। मेघवाल की बेटी बनारसी के संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेघवाल की तबियत के लगातार अपडेट भी ले रहे हैं। रोजाना बनारसी से फोन पर बात करते हैं सीएम गहलोत। डॉक्टर नरेश रेहान के भी संपर्क में हैं सीएम गहलोत। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी मेघवाल की तबियत जानी। और चलिए संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। नरेश, एसएमएस से मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया था, उनकी बेटी ये चाहती थी, हालांकि ऑपरेशन भी सफल रहा है, और क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री भी लगातार टच में हैं। बिल्कुल, देखिए, जो उनके ब्रेन हेमरेज के कारण जो क्लॉट था, उस क्लॉट को हटा दिया गया है कल, और आज फिर से जांच होगी। जांच होने के बाद आगे का जो कह सकते लाइन ऑफ एक्शन है वो तय होगा। हालांकि उनके कह सकते फेफड़ों में भी थोड़ा सा इन्फेक्शन है। वो जिस दिन उनकी तबीयत नासाज हुई थी उस दौरान वॉमिटिंग होने के कारण वो इन्फेक्शन होने की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सफल हुआ है जो क्लॉट हटाने का, उसको लेके अब जो उनकी बेटी है बनारसी, उनसे कुछ देर पहले बात हुई थी। उनका कहना था कि वो यहाँ के इलाज से संतुष्ट है, और खास कर देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो भी लगातार जो है वो संपर्क में है मेघवाल के परिजनों से, उनकी बेटी से, और जिस तरह के भी वो चाहते हैं उस तरह का इलाज जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। और मुख्यमंत्री के कारण ही जो है उनको एसएमएस अस्पताल से जो है फिर वो मेदांता ले जाया गया था एयरलिफ्ट करके, क्योंकि उनकी बेटी चाहती थी कि उनका इलाज वहां पे हो मेदांता में। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने भी तुरंत ही सारी व्यवस्था की, वहां के डॉक्टर नरेश रेहान से बात की, और पूरा जो इलाज है उस कराने के लिए वहां पे आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है उनकी, रोजाना जो है उनके स्वास्थ्य की बारे में अपडेट भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री। और वहां पे भी हम ये कह सकते हैं कि जो जिस तरह एसएमएस अस्पताल में जो स्थिति थी उससे कुछ बेहतर स्थिति है वो मेघवाल की मेदांता में है, और उनकी बेटी को उम्मीद है कि जल्द ही रिकवर करेंगे, और जो जिस तरह से इलाज किया जा रहा है वो संतोषजनक है, उनसे वो संतुष्ट भी है। और मुख्यमंत्री ने भी जो है बनारसी को यही कहा है कि जो भी सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए जाने हैं उनके इलाज को लेके, वो सारे उठाए जाएंगे, और जिस तरह परिवार चाहता है उसी तरह मेघवाल का इलाज हो। और मुख्यमंत्री ने यह भी कामना की कि जल्द ही मास्टर भवनलाल है वो स्वस्थ होके लौटे, और फिर से मंत्री के रूप में जो है वो सरकार के दायित्वों को आगे बढ़ाए। चलिए, शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है, हालांकि अभी भी वेंटिलेटर में है। उनका कल ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन भी सफल रहा, वो क्लॉट हटा दिया गया। हालांकि फेफड़ों में इन्फेक्शन जरूर कहा जा रहा है, लेकिन इंतजार डॉक्टर कहने की बात कह रहे हैं। लगातार उनके चेकअप भी जारी है।